दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण के बारे में। और पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के जो प्रथम एकीकरण का जो प्रथम चरण था वो हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण के बारे में। तो बिना किसी देरी के देखिए राजस्थान के एकीकरण का द्वितीय चरण। तो राजस्थान के द्वितीय के जो एकीकरण का जो द्वितीय चरण था उसका नाम है वो पूर्व राजस्थान संघ रखा जाता है। और नौ रियासत और एक ठिकाने को मिलाकर 25 मार्च 1948 को इसकी है वो इसका निर्माण किया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो द्वितीय चरण है उसका नाम पूर्व राजस्थान संघ रखा गया था और इसका निर्माण है वो 25 मार्च 1948 को किया गया था। और इसमें नौ रियासत प्लस एक ठिकाने जो ठिकाना था तो मैं आपको नाम बताना चाहूंगा इन नौ रियासतों का। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, नौ रियासत और कुशलगढ़। और कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में पड़ता है वो ठिकाना मिला के है वो पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण किया जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो नौ प्लस ठिकाने थे वो डूंगरपुर था, एक बांसवाड़ा था, प्रतापगढ़ रियासत और आपकी शाहपुरा की रियासत और आपकी किशनगढ़ की रियासत, उसके बाद में टोंक की रियासत और बूंदी रियासत, उसके बाद में हमारी एक और जाती है कोटा वाली और लास्ट है हमारी झालावाड़ की। और एक ठिकाना भी था, ठिकाना उसका नाम था कुशलगढ़ जो हमारा पड़ता है बांसवाड़ा में। यानी जो हमारी नौ रियासतें हैं और एक ठिकाने को मिलाकर 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण किया जाता है। और उसकी राजधानी है वो कोटा को बनाया जाता है और उसका राज प्रमुख है वो कोटा के महाराजा है वो भीम सिंह को बनाया जाता है। और इसका जो पीएम है वो गोकुल लाल असावा को बनाया जाता है। और इसका जो उद्घाटन करते हैं वो हमारे नरहरि विष्णु गाडगिल जी, अनवी गाडगिल भी कहा जाता है। तो इसकी राजधानी है द्वितीय चरण के वो किसको बनाया जाता है, कोटा को। और इस जो संघ है द्वितीय चरण है इसका जो राज प्रमुख है वो भीम सिंह को बनाया जाता है, भीम सिंह कोटा को बनाया जाता है। और इसका जो हमारा जो पीएम है इस द्वितीय चरण का जो पीएम है वो गोकुल लाल असावा को बनाया जाता है जो शाहपुरा से संबंध रखते हैं, गोकुल लाल असावा जो शाहपुरा से संबंध रखते हैं। और लास्ट में उद्घाटन करता है वो हमारे अनवी गाडगिल और इनका पूरा नाम नरहरि विष्णु गाडगिल। तो नरहरि विष्णु गाडगिल इसका उद्घाटन करते हैं और कोटा दुर्ग में इसका है वो उद्घाटन होता है। तो दोस्तों आई होप आपने समझा राजस्थान के एकीकरण का द्वितीय चरण। और वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगला चरण हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।